हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के विषय प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी एजी 402 का फर्स्ट लेक्चर कराने वाला हूं। तो हमारा जो है सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी ठीक है। इसका सब्जेक्ट कोड है AG 403। तो हम इसमें कौन सा लेक्चर देख रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। तो लेक्चर हमारा क्या है, सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट कौन सा, हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है AG 403। ठीक है, हम इसमें पहला लेक्चर देख रहे हैं। पहला लेक्चर क्या है, सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी, बीज और बीज प्रौद्योगिकी क्या है, उसका परिचय, परिभाषा और महत्व। सीड क्या है, सीड का परिभाषा, डेफिनेशन और महत्व। बीज प्रौद्योगिकी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और महत्व। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सीड क्या देखेंगे, सीड। तो सीड क्या होता है, बीज, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, बीज। बीज क्या होता है, तो पौधे का कोई भी भाग जिससे हम प्रजनन के लिए उपयोग करते हैं उसे बीज कहते हैं। मान लीजिए यह एक पौधा है, ठीक है, यह एक पौधा है, ये सब इसकी जड़ है और इधर से इसके डंठल निकले हैं, सब इधर से डंठल निकले हैं, ये सब इधर से पत्ते तो सब निकले हैं। इसके मान लीजिए एक डंठल है, इसमें से हम एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इससे हम एक नया पादप तैयार कर देंगे, इससे हम प्रजनन के लिए उपयोग करेंगे। तो दोस्तों यही जो भाग यहाँ का है यही क्या कहलाएगा, सीड कहलाएगा। तो सीड क्या होता है, समझे होंगे कि पौधे का कोई भाग जिसे हम प्रजनन के लिए उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, बीज क्या होता है, पौधा का कोई भी भाग, चाहे उसका जड़ ही क्यों ना हो, जिसे हम प्रजनन के लिए उपयोग करते हैं बीज कहलाता है। क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। पौधा का कोई भी भाग जिसे हम प्रजनन के लिए उपयोग करते हैं बीज कहलाता है। ठीक है, बीज को दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है, बीज को दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है, बीज को दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है। पहला कौन सा है, एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन, एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन। दूसरा कौन सा है, बॉटेनिकल डेफिनेशन, एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन और बॉटेनिकल डेफिनेशन। तो सस्य परिभाषा, वानस्पतिक परिभाषा, तो बीज क्या होता है, पौधा का कोई भी भाग जिसे हम प्रजनन के लिए उपयोग करते हैं बीज कहलाता है। बीज को दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है, एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन और बोटेनिकल डेफिनेशन। नोट कर लीजिए, इस बारे में आप लोगों को ये दोनों टाइप बता दे रहा हूं। तो चलिए अब देखते हैं कि एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन और बोटेनिकल डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है,
तो एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन। तो यह क्या होता है, तो फसल या पौधे का वह सजीव अंग, फसल या पौधे का वह सजीव अंग जो नई फसल या पौधे को उगा सकता है उसे बीज कहते हैं। ये कौन सा है एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन की, फसल या पौधे का कोई भी सजीव अंग या वह सजीव अंग जो नई फसल या नए पौधे को उगा सकता है उसे बीज कहते हैं। दूसरा कौन सा है, दूसरा है बोटेनिकल डेफिनेशन, वानस्पतिक परिभाषा। तो बोटेनिकल डेफिनेशन क्या होता है, निषेचित बीजांड, निषेचित बीजांड जिसमें साबुत भ्रूण हो, जिसमें क्या हो, जिसमें साबुत भ्रूण हो संग्रहित हो, जिसमें साबुत भ्रूण जो है वह संग्रहित हो, निषेचित बीजांड जिसमें साबुत भ्रूण संग्रहित हो, संग्रहित भोजन वह बीज कोट पाया जाता हो उसे बीज कहते हैं। निषेचित बीजांड कहने का मतलब दोस्तों, आपके जो घर में बीज होता है, जो आप लोग दुकान से बीज लाते हैं खरीद कर, तो उसमें क्या होता है, उसमें दोस्तों बीजांड पाया जाता है, साबुत भ्रूण पाया जाता है, ठीक है, उसमें भोजन जो होता है संग्रहित होता है, बीज की एक आवरण पाई जाती है, बीज की एक कोट पाई जाती है, तो दोस्तों उसी को बीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पौधे का कोई भी सजीव अंग हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें सिर्फ दोस्तों जो बीज होता है जिसमें एक कोट पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है, जिसमें साबुत भ्रूण होता है, भोजन संग्रहित होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, तो वह दोस्तों बीज होता है, ठीक है। बीज दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन, सॉरी, बीज को दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है, एक एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन इसका, एक है बोटेनिकल डेफिनेशन। एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन में दोस्तों फसल या पौधे के किसी भी सजीव अंग का प्रयोग करते हैं, इसमें सिर्फ फसल के उस अंग का प्रयोग करते हैं जिसमें निषेचित बीजांड, साबुत भ्रूण, संग्रहित भोजन व बीज कोट पाया जाता है, ठीक है। तो यह हो गया इसका बोटेनिकल डेफिनेशन और एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन। तो हमारा सीड जो है वह हो गया खत्म। अब देखेंगे हम लोग सीड टेक्नोलॉजी, बीज प्रौद्योगिकी, सीड टेक्नोलॉजी। बीज प्रौद्योगिकी, बीज प्रौद्योगिकी क्या होता है, तो हमने अभी आप लोग क्या होता है बीज, तो बीज प्रौद्योगिकी क्या होता है, कृषि विज्ञान की, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन्नत व उच्च गुणवत्ता, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन्नत और उच्च गुणवत्ता संपन्न बीजों, संपन्न बीजों के उत्पादन, संसाधन, भंडारण, परीक्षण
वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है उसे बीज प्रौद्योगिकी या सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाले संपन्न बीजों के उत्पादन, संसाधन, भंडारण, परीक्षण व वितरण का अध्ययन किया जाता है उसे सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई यह एक बीज हो गया, ठीक है, यह एक बीज है। इस बीज के बारे में हम, इसकी उन्नत गुणवत्ता कौन सी है, यह बीज कैसा है, इसका क्या संसाधन, इसके भंडारण कितने प्रतिशत पर करने चाहिए, इसका परीक्षण किया जाता है कि इसमें दोस्तों जो फिजिकल प्योरिटी होती है, जेनेटिक प्योरिटी वो कितनी है, इसके वितरण आदि के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं किसी बीज के, तो दोस्तों उसी को क्या कहते हैं, उसी को बीज प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन्नत व उच्च गुणवत्ता वाले संपन्न बीजों के उत्पादन, संसाधन, भंडारण, परीक्षण व वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है उसी को बीज प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो यही हो गया दोस्तों सीड टेक्नोलॉजी। अब आता है कि सीड का इम्पोर्टेंस क्या है। हम लोगों ने क्या देखा, सीड और सीड टेक्नोलॉजी में इंट्रोडक्शन देखना था, इंट्रोडक्शन देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, अब दोनों का इम्पोर्टेंस देखना, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखेंगे क्या बीज प्रौद्योगिकी, बीज प्रौद्योगिकी का क्या महत्व, हमें बीज का महत्व तो नहीं देखना था लेकिन मैंने बता दिया है। तो बीज प्रौद्योगिकी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, इम्पोर्टेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, बीज प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। तो इसका पहला महत्व दोस्तों है हायर यील्ड, हायर यील्ड मतलब अधिक उपज। तो हम यदि दोस्तों बीज प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेंगे तो हमें उच्च गुणवत्ता वाले और अधिक उत्पादन करने वाले जो है बीज प्राप्त होंगे। तो जो सब जो बीज प्रौद्योगिकी होता है इससे क्या होता है, इससे हमें उत्तम बीज प्राप्त होगा जिससे हमारी जो उपज है वह अधिक होगी, ठीक है। तो उत्तम बीज का प्रयोग करने से अधिक उत्पादन होगा। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा इसका महत्व क्या है, कम लागत, कम लागत। अब दोस्तों यदि हम लोग बीज प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या होगा, उर्वरक जो खाद होता है, सिंचाई होती है और जो हमें कीटनाशी का छिड़काव करना पड़ता है वह कम करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारा जो लागत है वह कम होगा, ठीक है। तो बीज प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्तम बीज प्राप्त होगा जिसमें सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, उपकरण कम लगता है या उसका प्रयोग कम होता है उपकरण का, तो जिसकी वजह से जिससे खर्च भी कम होता है, ठीक है। यदि हम लोग क्या करेंगे, सीड टेक्नोलॉजी से प्रमाणित जो बीज होता है उसका प्रयोग करेंगे तो हमारा जो वह कम लागत लगेगा, कैसे, क्योंकि हमारा जो बीज है, उर्वरक है, इन सभी का हमें प्रयोग नहीं करना पड़ेगा जिससे हमारा क्या होगा दोस्तों, लागत कम लगेगा, ठीक है। अगला इसका दोस्तों महत्व तो है अधिक आय, अधिक आय। तो हम वैज्ञानिक विधि से जब खेती करेंगे, मैं इसको बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि टाइम लगे लिखने में। तो
जब हम वैज्ञानिक विधि से फसल को उत्पादित करेंगे तो अब कीट और रोग उसमें नहीं लगेंगे। क्या नहीं लगेंगे? कीट और रोग नहीं लगेंगे, जिससे दोस्तों हमारी फसल जो है वो अच्छी होगी, क्योंकि कीट और जब रोग लगते हैं तो फसल पे भी काफी प्रभाव पड़ता है और फसल देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब हम लोग वैज्ञानिक विधि से उत्पादित बीज और कीट का प्रयोग सॉरी बीज का प्रयोग करेंगे तो कीट और रोग नहीं लगेंगे, जिससे हमारा जो है बीज वो देखने में अच्छा लगेगा, तो उसे अच्छा भाव मिलेगा। ठीक है, अगला है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता तो हम बीज प्रौद्योगिकी द्वारा जो बीज प्राप्त किया जाता है उसको यदि लेकर आते हैं तो हमें भरोसा होता है कि इससे हमें लाभ होगा, इससे जितना उत्पादन दिया जितना प्रतिशत उतना प्रतिशत उत्पादन होगा। तो यह क्या दोस्तों, इसका भरोसा है। इसका पांचवा पॉइंट है सही जानकारी। तो जब बीज प्रौद्योगिकी द्वारा जो बीज प्रमाणित होता है सी टेक्नोलॉजी के द्वारा, उस पर एक टैग दिया होता है, जिसमें क्या कर दिया होता है, जिसमें आपको दिया होता है इसकी फिजिकल प्योरिटी कितनी है, इसकी दोस्तों जो जेनेटिक प्योरिटी कितनी है, इसकी नमी प्रतिशत कितनी है, तो इन सभी के बारे में दिया जाता है। अंकुरण प्रतिशत कितना है, प्राप्त बीज की वंशावली कौन सी है, तो इन सभी बातों को दोस्तों ये टैग के रूप में दिया रहता है, तो ये सब हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यही था दोस्तों सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, मैं बता देता हूँ नेक्स्ट माध्यम से। तो सीड क्या होता है, तो पौधे का कोई भी भाग जिसे हम प्रजनन के लिए प्रयोग करते हैं सीड कहलाता है। सीड को दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है, एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन और बॉटनिकल डेफिनेशन। एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन क्या होता है, तो पौधे का कोई भी सजीव अंग जिससे हम लोग क्या करते हैं नया पौधा उगा सकते हैं, वह क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। और सॉरी बॉटनिकल डेफिनेशन क्या होता है, बॉटनिकल डेफिनेशन होता है जिसमें बीजांड पाया जाता हो और दोस्तों सजीव भ्रूण पाया जाता हो और दोस्तों उसमें भोजन स्टोर हो, तो दोस्तों जिसमें बीज कोट पाया जाता हो उसे क्या कहते हैं, उसे बीज कहते हैं। तो दो प्रकार से हो गया, बीज प्रौद्योगिकी क्या होता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी बीज के उन्नत उच्च गुणवत्ता प्रोडक्शन और उसका दोस्तों भंडारण नमी प्रतिशत परीक्षण इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं। सीड टेक्नोलॉजी का महत्व देखा हम लोगों ने, तो अधिक उपज और कम लागत, और हम लोगों ने क्या क्या देखा, कम लागत अधिक आय, विश्वास और सही जानकारी। तो यही सब हम लोगों ने देखा आज की इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमने इतना बताया समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका PDF भी आप लोगों को यदि चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।